भाजपा पार्टी बूथ नंबर 89 के अध्यक्ष अश्विनी कुमार चूना ने दर्जनों समर्थकों सहित छोड़ी भाजपा पार्टी। सैनी मोहल्ला पिंजौर की गलियों का काम पूरा ना करने के बाद लिया फैसला। सैनी मोहल्ला पिंजौर के निवासी एवं भाजपा नेता बूथ नंबर 89 के अध्यक्ष अश्विनी कुमार चूना ने अपने दर्जनों समर्थकों और लोगों के साथ भाजपा पार्टी का दामन छोड़ दिया है। सैनी मोहल्ला पिंजौर के भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और उन्होंने भाजपा नेता अश्विनी कुमार चूना का साथ देते हुए भाजपा पार्टी छोड़ दी। अश्विनी कुमार चूना का कहना है कि सैनी मोहल्ला पिंजौर में सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के बाद उखाड़ी हुई गलियों को ठीक नहीं किया जा सका है। हालांकि भाजपा नेता अश्विनी कुमार ने कहा कि सैनी मोहल्ला की गलियां व लोगों को बड़ी समस्या है कि गलियों का निर्माण किया जाए, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। भाजपा नेता अश्विनी कुमार ने बताया कि भाजपा पार्टी में कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, इसीलिए भाजपा पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि समाज में रहकर ही समाज के कार्य करते रहेंगे। मैं पिछले 4-5 सालों से बीजेपी का छोटा सा सेवादार था और बूथ अध्यक्ष 89 का कार्यकर्ता था, लेकिन मैं अपने सैनी मोहल्ले की और चौना चौक से लेकर जो मेन गली है उसकी जर्जर हालत को देखते हुए नालियों गलियों की सफाई के लिए मैंने कई बार अपनी पार्टी को प्रशासन को भी अवगत कराया, एप्लीकेशन भी दी, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मैंने अपने समर्थकों के साथ ये एक फैसला लिया कि मैं अपनी बीजेपी पार्टी को त्यागपत्र सौंप दिया और आगे भी मैं जो अपनी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी सेवाएँ देते आया हूँ वो जारी रहेंगी और आगे भी इनके लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा करूँगा। कि मैंने बहुत ही ज़्यादा अपने बीजेपी में रह के अपने ऊपर जो सीनियर हैं उनको ही मैंने इस बारे में फ़ोन भी किए, एप्लीकेशन भी दी, बताया भी है कार्यकर्ताओं को जो ऊपर हैं मंडल अध्यक्ष हो गए या कोई और भी, तो किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 महीने से काम लटका पड़ा है, लोग इतने हताश हो गए हैं कि वो मेरे पास आते हैं। मैंने निजी तौर पर अपने पैसों से आज भी गली की सफाई का कार्य लगवा रखा है, 2 रेड़ियाँ आज भी लगी हुई हैं और इस वजह से मुझे फैसला लेना पड़ा।